मिली है अल्ट्रा ब्लैक फिश से। ये फिश अपने ऊपर के ऑलमोस्ट 99.5% लाइट को अब्सॉर्ब कर लेती है। और इस फोटो को देखो, ये कोई कैमरा नहीं बल्कि एक बिल्डिंग है, और इसे बनाने वाला कोई बिल्डर नहीं बल्कि एक फोटोग्राफर है। और इस इमेज को देखो, इसमें एक ईगल का चोंच टूट गया था, तो किसी ने इसके लिए एक 3D प्रिंटेड चोंच बना दिया, जिसकी वजह से ये और खतरनाक दिख रहा है। और क्या आप ये जानते हो कि फ्री फायर में हाईएस्ट किल का रिकॉर्ड किस बंदे के पास है? आज आप इस वीडियो में ऐसे ही स्टनिंग फैक्ट्स को जानोगे कि आपके अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। नंबर 30, अगर आपके पास किसी रेस्टोरेंट या सिनेमा हॉल में अकेले जाने की पावर है तो ये फैक्ट आपके लिए है। रिसर्च से ये पता चला है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट या सिनेमा हॉल में अकेले जा सकते हो तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा कर सकते हो। नंबर 29, जिस तरह ह्यूमन के लिए हार्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक उसी की तरह एक कार के लिए उसका इंजन। पर मैक्लारेन कंपनी वालों ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और मैक्लारेन F1 कार में आयरन की जगह गोल्ड का ही इंजन लगा दिया। दरअसल ये उन्होंने इसलिए किया ताकि इंजन में हीट कम ट्रांसफर हो और उनकी कार और फास्टर और स्मूथर चल सके। नंबर 28, लिनेल मेसी कितने ग्रेट फुटबॉलर हैं ये तो सबको पता है, मगर वो कितने ग्रेट हार्टेड हैं इसका अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा लेना। हुआ यूं कि जब मेसी को पता चला कि एक अफगानी बच्चा उनको सपोर्ट करने के लिए प्लास्टिक से बनी जर्सी पहनता है, तो उन्होंने उसके लिए अपनी एक रियल जर्सी जिसमें उनका ऑटोग्राफ था उस बच्चे के लिए सेंड कर दिया। नंबर 27, आपने अपने जिंदगी में हनी तो टेस्ट किया ही होगा, मगर क्या आपने कभी ब्लू हनी टेस्ट किया है? जी हाँ, हमारे इस अर्थ पर ब्लू हनी भी पाया जाता है, और ये हनी कुछ रेयर फ्रेंच हनी बीज की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है। भाई सच में इन अंग्रेजों ने अपने साथ हनी का भी रंग चेंज कर दिया। नंबर 26, एक बार एक महिला का पेट डॉग मर गया, जिसकी वजह से वो बहुत सैड हो गई, और कुछ घंटों बाद वो अपने डॉग को याद करते हुए आसमान की ओर देखने लगी। अचानक उसे कुछ अजीब दिखता है, उसे उसी पेट डॉग का फेस बादलों में दिखता है जिसकी कुछ घंटों पहले मौत हो गई थी। वाओ। नंबर 25, इस इमेज को देखिए और बताइए कि इस प्लेन के साथ क्या हादसा हुआ है। इसके इम्पैक्ट को देखने से यूं लगता है मानो प्लेन मूव करते समय किसी बड़ी से दीवार से टकरा गई हो, मगर ये ह्यूज इम्पैक्ट बस एक बर्ड की वजह से हुआ है जो हेलस्टॉर्म में इस मूविंग प्लेन से जा टकराया था। नंबर 24, आपको इस इमेज को देखना चाहिए, इसमें डेवलपमेंट का रियल मीनिंग को दिखाया गया है। इस इमेज में आप एक तरफ डेवलप चाइना को देख सकते हो तो वही दूसरी तरफ अनडेवलप चाइना को। भाई भले डेवलपमेंट अच्छी हो, मगर ये हमें हमारे नेचर से बहुत अलग कर देता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपको ऐसी डेवलपमेंट चाहिए जिसमें नेचर भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो। नंबर 23, दुनिया में अतरंगी जानवरों की कमी नहीं है। जहाँ किसी जानवर का आई उसके ब्रेन से बड़ा होता है, वही ऐसे भी जानवर पाए जाते हैं जो 3 साल से भी ज्यादा तक सोते रहते हैं। मगर जिस जानवर के बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, वो तो थग लाइफ का रियल बॉस है, मिली है कैपिबारा से। ये लायन और टाइगर जैसे खूनखार जानवरों से भी बहुत ब्रेव है। ये हर वो जानवर जिससे ये मिलता है उसके साथ चिल करता है, यहाँ तक कि ये एलिगेटर को भी नहीं छोड़ता। जस्ट अनबिलीवेबल। नंबर 22, आपने स्किन पर तिल के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही तिल जो इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग बेनिफिट्स देता है। मगर आप ये जानकर चौंक जाओगे कि इसी तिल जैसा मार्क आप अपनी किसी भी बॉडी पार्ट्स में बना सकते हो। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब पेंसिल से कोई मार्क हमारे स्किन पर बनाता है तो बहुत बार वो हमारे स्किन पर सालों के लिए तक रह सकता है। नंबर 21, आपको ये जानकर शॉक लगेगा कि जो इंसान मार्स पर पहला कदम रखेगा वो अभी जिंदा है, और वो आपके स्कूल में भी हो सकता है या फिर वो इस ऑसम फैक्ट की वीडियो देख रहा है। मे बी वो लकी इंसान आप ही हो सकती हो, क्योंकि नासा जल्द ही मार्स पर इंसानों के जाने की तैयारी कर रहा है। नंबर 20, आपने कई बार अपने किसी काम से कई वेबसाइट्स पर साइन इन या साइन अप किया होगा, मगर आपको ये जान लेना चाहिए कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन कोई भी किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब से आप अपना 100% रियल इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट को ना दें। नंबर 19, पहले के समय जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो लोग समय देखने के लिए सन डायल्स को इस्तेमाल करते थे, मगर आजकल के समय में ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। मगर आप इस 3D प्रिंटेड डिजिटल सन डायल को देखो, ये एक्यूरेटली किसी डिजिटल वॉच की तरह समय बताता है। नंबर 18, अल्कोहल कैसे एक अच्छी हेल्दी फैमिली से खुशियां छीन लेता है ये सब जानते हैं, मगर एक अल्कोहलिक ब्रेन कैसा होता है क्या आप ये जानते हो? बस आप इस इमेज को देखो, लेफ्ट साइड में नॉर्मल ब्रेन
का MRI स्कैन है तो वही राइट साइड में अल्कोहलिक ब्रेन का आप साफ साफ राइट साइड में ह्यूज ब्रेन डैमेज को देख सकते हो। नंबर 17, एक बच्चा अपने पेरेंट्स को कितना प्यारा होता है आप इस फैक्ट से जान सकते हो। लिटिल मेरिट, चूंकि 1865 में एक मात्र 8 साल का बच्चा था, उसने अपने मरने से पहले अपने डैड से एक बात कही थी कि डार्क टॉम में उसे दफन होने से उसे डर लगता है। तो पता है उसके डैड ने क्या किया? उसके पेरेंट्स ने इस बात का रिस्पेक्ट करते हुए उसके टॉम्ब में एक विंडो लगवा दिया, जस्ट अ मेमोरेबल ट्रिब्यूट टू हिज लवली चाइल्ड। नंबर 16, सोशल मीडिया पे आपको क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए आप इस इमेज से जान लोगे। इस इमेज में देखो कैसे बस एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर किसी का लुक चेंज कर सकता है, आप इस इमेज को देख के जान सकते हो। नंबर 15, जैसे कि हम जानते हैं कि टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बड़ा शिप था, मगर वो अब तक का सबसे बड़ा शिप नहीं था। बस आप इस इमेज को देखो, इसमें टाइटैनिक और आज के मॉडर्न क्रूज शिप का साइज कंपैरिजन है। आप ये जानकर चौंक जाओगे कि इसमें छोटा शिप ही टाइटैनिक है। नंबर 14, एक बार एक 99 ईयर ओल्ड मैन ने 96 ईयर्स की ओल्ड वाइफ को डिवोर्स दे दिया और उनके रिलेशनशिप को लगभग 77 ईयर्स हो गए थे। पर जब आपको डिवोर्स का रीजन पता चलेगा तो आप हंस पड़ोगे। डिवोर्स का कारण ये था कि जो 96 ईयर ओल्ड वाइफ थी उसका 1940s में किसी और के साथ अफेयर था। बेचारे अंकल का बुढ़ापे में दिल टूट गया। नंबर 13, ये फैक्ट बहुत मजेदार है इसलिए इसे ध्यान से सुनना। एक बार एक बच्चा टैक्सी में बैठे हुए चॉकलेट खा रहा था। एक चॉकलेट खत्म होने के बाद वो जब एक और चॉकलेट खा रहा था तब उसके अगली सीट पर बैठे एक आदमी ने उसे कहा, क्या तुम जानते हो ये तुम्हारी दांतों के लिए हार्मफुल है? तब बच्चे ने यह कहकर रिप्लाई दिया, मेरे दादाजी 132 साल तक जिंदा थे। उसकी ये बात सुनकर आदमी ने कहा, क्या वो चॉकलेट खाकर इतने सालों तक जिंदा थे? तब बच्चे ने बहुत आराम से कहा, नहीं, वो बस अपने काम से काम मतलब रखते थे। मेरे ख्याल से पक्का अब वो आदमी किसी बच्चे से पंगा नहीं लेगा। आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 12, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन कितने खुले दिल के इंसान हैं आप इस इमेज को देख के अंदाजा लगा सकते हो। ये डांसिंग इमेज उस समय की है जब फ्रांस ने अपने एक फुटबॉल मैच में गोल किया था। नंबर 11, आप इस इमेज को देखो, इसमें एक ईगल का किसी कारण की वजह से चोंच टूट गया था तो किसी भले इंसान ने इसे नया 3D प्रिंटेड चोंच दे दिया जिससे इसका लुक और डेंजरस लगता है। नंबर 10, अगर आप एक कैंडल को जलाओ तो वो कितनी देर बाद बुझ जाएगी? मे बी 5 घंटे, 10 घंटे या फिर मुश्किल से 40 घंटे। पर आप इस राउंडेड कैंडल को देखो, ये 80 घंटे से लेकर 180 घंटों तक आराम से बिना बुझे जल सकती है। नंबर 9, हमारा नेचर बहुत खूबसूरत है इसमें तो कोई शक नहीं, और हमारे नेचर में ऐसे औसम जीव भी हैं जो हम सबको अपने स्किल से हैरान कर देते हैं। आप जरा इस बर्ड को देखो जो फिश की हंटिंग के लिए कैसा खतरनाक पोजीशन में आ जाता है। इस अमेजिंग बर्ड का नाम है ऑस्प्रॉय और इसकी इसे स्टनिंग हंटिंग मोड की वजह से लोग इसे सी हॉक भी कहते हैं। नंबर 8, आपने अब तक बहुत सारे अमेजिंग फॉरेन बिल्डिंग्स तो देखा ही होगा, मगर आप इस ऑसम इंडियन बिल्डिंग को देखो जो कि कर्नाटका में मौजूद है और इसे एक फोटोग्राफर मिस्टर रवि होंगल ने बनाया है। अगर आप सोच रहे हो कि रवि जी ने अपने पैशन के लिए इतना ही क्यों किया तो आप गलत हो, क्योंकि रवि जी ने एक और गजब कारनामा किया। उन्होंने अपने 3 बेटों का नाम भी कैनन, निकन और एप्सॉन रख दिया। बट भाई कुछ भी बोलो, ऐसे और अमेजिंग बिल्डिंग्स इंडिया में बनाने चाहिए। नंबर 7, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी धरती की वो कौन सी जगह है जहां से चांद सबसे नजदीक है तो आप में से लगभग सभी लोगों का आंसर माउंट एवरेस्ट का टॉप होगा, मगर आप ये जानकर शॉक लगेगा कि ये आंसर 100% गलत है। इसका सही आंसर है माउंट चिबुराजो जो इक्वाडोर में मौजूद है। दरअसल बात ये है कि ये यूं तो माउंट एवरेस्ट से 2580 मीटर छोटा है, मगर ये अर्थ के इक्वेटर में प्रेजेंट है और हमारे अर्थ का इक्वेटर अर्थ के बाकी पार्ट से काफी ऊंचा है। नंबर 6, चाइना अपने अतरंगी इलीगल कामों के लिए दुनिया भर में मशहूर है और उसका एक ऐसा ही कारनामा है डिंग जुई। होता यूं है कि चाइना में कई रिच लोगों को जब जेल होती है तो वो जेल में खुद जाने के बजाय अपने ऐसे बॉडी डबल्स को हायर करते हैं जो उनकी जगह पर जेल में चक्की पीसते हैं। चाइना में ये इतने कॉमन है कि इसके लिए एक स्पेशल टर्म है डिंग जुई। नंबर 5, इस गजब की इमेज को देखो, ये इमेज इस चीज को बखूबी बताती है कि भले ही आप किसी को अपनी तरफ से कम देते हो मगर उस चीज की कीमत उसके लिए काफी ज्यादा होती है, इसलिए हमें जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए।
नंबर 4, अब जो सर्वाइवल फैक्ट को बताने वाला हूँ, हो सकता है उससे आपकी कभी जिंदगी बच जाए। ध्यान से सुनो, अगर आपके ऊपर कोई ब्राउन बियर अटैक करे तो आप मरने का एक्टिंग कर सकते हो, और वही अगर वह ब्लैक बियर हो तो मारने के बजाय उसके नाक पर पंच मार कर आप अपने आप को सेव कर सकते हो। नंबर 3, अगर आप किसी बड़ी बहस से बचना चाहते हो तो बस पहले इन 4 वर्ड्स को बोलना, यस यू आर राइट बट, और उसके बाद अपनी बात को कहना। इससे आपका कंपेटिटर आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और इसके मानने के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। नंबर 2, न्यूज़पेपर का सही यूज कैसे करें, आप इस फैक्ट से जान लोगे। ऑस्ट्रेलिया में टॉयलेट पेपर की कमी ना हो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की एक न्यूज़पेपर कंपनी ब्लैंक न्यूज़पेपर को प्रिंट करती है। हुआ ना भाई न्यूज़पेपर का सस्ता इस्तेमाल। फैक्ट नंबर 1 के पहले, हमारे चैनल का एक एम है जो कि 400K सब्सक्राइबर्स का है, इसलिए हमें सपोर्ट करने के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। नंबर 1, वर्ल्ड के टॉप रेटेड गेम्स में एक फ्री फायर भी आता है, मगर क्या आप जानते हो कि ये जो फ्री फायर गेम है इसमें सबसे हाईएस्ट किल किसने लिए? यूं तो एक प्रो प्लेयर आसानी से 20 से 25 किल्स ले लेता है, मगर रिकॉर्ड इससे काफी ज्यादा है। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो ये रिकॉर्ड अभी एक स्पेनिश प्लेयर के पास है। आप ये जानकर चौंक जाओगे कि इस प्लेयर ने एक ही मैच में 45 किल्स लिए हैं। ये सब उसने अपने सब्सक्राइबर्स के हेल्प से किया था। और एक हमारा नया चैनल है जिसका नाम है टेक यूनिक, आप इसे भी चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मेरी ही आवाज होने वाली है।